Everything outside or the people around me are giving me love or giving me whatever I want, happiness or whatever. वो नहीं है. No object outside is giving us anything. Okay? We can be with the objects or whatever we see around us, but that is not the reason for our happiness or sadness. Okay? Now understand that a person is going with a cow and a rope. ठीक है? अभी जो person सामने से देखेगा उसको लगेगा कि रस्सी उसके हाथ में तो गाय बंधी हुई है. ओके, इज द काउ बाउंड और यू आर बाउंड टू द काउ? नाउ थिंक, यू वी ऑल हैव अ काउ विद अ रोप. ओके, एंड वी आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. समबडी केम एंड आस्क्ड यू, अरे गाय को बांध के लेके जा रहे हो, तो गाय बंधी है आपसे. इज द काउ बाउंड टू यू और आर वी बाउंड टू द काउ? सो द मैन सेज, तू पागल है. हम लोग भी वही बोले, रस्सी मेरे हाथ में, गाय मैं बांध के पकड़ा है, गाय बंधी हुई है, मैं मुक्त हूं. ठीक है, गाय का रस्सी छोड़ दे, गाय भाग जाएगी, हम उसके पीछे. क्यों, बंदा कौन है? गाय तो बंधी थी ही नहीं, वो तो फ्री है. हम बंधे हैं गाय से. और रस्सी का, डोंट गेट ट्रैप्ड इन द रस्सी बिजनेस. ये रस्सी ना बहुत खतरनाक है, ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में रस्सी, आई एम इन कंट्रोल. एक सेकंड के लिए रस्सी छूट गया ना, सब घोड़े भाग जाएंगे. वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कंट्रोल आवर सेंसेस एंड वी आर होल्डिंग द रोप सो टाइट. इतना अलर्टनेस में जीना पड़ रहा है, पता नहीं कब क्या छूट जाएगा, कौन सा घोड़ा भाग जाएगा, इतना स्ट्रेस में जीना पड़ता है. और रात को जब रेस्ट करेंगे, रस्सी छूट जाएगी, तो सपने में सारे घोड़े छूट जाएंगे. सो खतरनाक गेम तभी शुरू हो जाता है. This is where we need to understand that I am not going to tie the vasanas and the vasanas cannot tie me. Very confident हो जाना है कि ना मैं उसको बांधने वाला है ना वो मेरे को बांध सकता है. क्यों? क्योंकि सारे रस्सी अभी परमात्मा को चढ़ा दिए, बात खत्म. कैसे? नाम संकीर्तन से. सिंपल, यू कैन जस्ट डू जपा. जप से भी हो सकता है, तर्पण से हो सकता है, कुछ भी करो. डू एनी काइंड ऑफ प्रेयर दैट यू लव टू डू, इट डजंट मैटर व्हाट इट इज. और उसके साथ ये रस्सियों को जोड़ दो, अपने हाथ में बिल्कुल नहीं पकड़ना, बिकॉज इट्स अ फॉल्स अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम इन कंट्रोल. नहीं होता है, क्योंकि कभी ना कभी तो छूटेगा ना, कैसे गारंटी है कि नहीं छूटेगा करके? कभी गलती से कुछ छूट जाएगा. सच साहब रस्सी लोग बोलो, भाई तेरा तुझको अर्पण, तू ही पकड़, मेरे को झंझट ही नहीं चाहिए आज से. You take all these. I don't want these. I give all my senses to you. I give entire whatever is there to you. Now you control. इतना श्रद्धा चाहिए, इतना विश्वास चाहिए. हमारा 50-50 गेम अभी भी चल रहा है. बोलते हैं दिन में मैं पकड़ता है गॉड, रात को तू पकड़ रस्सी. पूरा उसी को दे दो, नो डील, पूरा उसको दे दो. ना मेरे को वासना बांध सकता है, ना वासना को मैं बांधेगा, बात खत्म. क्लियर है? देन इट इज क्लियर. इट कैन नॉट बी ए हाफ वे, इट कैन नॉट बी. एंड इट इज नॉट कि मैं बांधेगा लेकिन वो मुझे नहीं बांधे. हम अभी नाउ थिंक ऑफ एनी पर्सन इन योर लाइफ, एनी ऑब्जेक्ट, एनी पर्सन, एनी एनीथिंग, प्रॉपर्टी, वॉट एवर, तुम लोग को जो चाहिए हो, और सोचो कि यू आर होल्डिंग इट, इट्स योर्स. इज दैट होल्डिंग यू और यू होल्डिंग दैट वन? उसने तुमको पकड़ा है कि तुमने उसको पकड़ा है? वॉट एवर इट इज, अच्छा हो या बुरा हो, बच्चा भी हो सकता है अपना, खुद का पति हो सकता, पत्नी हो सकता, जो भी है. ये लोग यूजुअली यही सब रहते हैं आपस में, या मैक्सिमम प्रॉपर्टी या कुछ होगा. सो उसने हमको पकड़ के रखा है कि हमने उसको पकड़ा है. दिस वी नीड टू चेक, वेयर इज द बंधन एंड हु इज होल्डिंग होम. एंड इफ यू आर फीलिंग दैट, देन अंडरस्टैंड दैट देयर इज अटैचमेंट. हमने पकड़ा है, हमारे हाथ में छोड़ना है. हम, आई एम अटैच टू माई वॉट एवर डॉटर, हस्बैंड, सन, जो भी है, उससे मैं अटैच हूं. तो मैंने रस्सी मेरे हाथ में पकड़ा है और मैं बोलती हूँ उसके वजह से मुझे ना बहुत दुख होता है, या उसके वजह से मुझे बहुत सुख होता है. आई वॉन्ट दिस पर्सन और आई डोंट वॉन्ट दिस पर्सन, बोथ आर अटैचमेंट, बोथ आर अटैचमेंट. आई वॉन्ट इज अटैचमेंट, आई डोंट वॉन्ट इज अटैचमेंट, ये दोनों अटैचमेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव. बट अटैचमेंट, रस्सी मेरे हाथ में अभी भी है, रस्सी छोड़ देना है. छोड़ के परमात्मा को सरेंडर कर दो, भाई तो इसको संभाल, मेरा रोल खत्म. आई विल डू माई ड्यूटीज, दैट्स इट. आई एम नॉट गोइंग टू गेट अटैच्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. क्योंकि अटैचमेंट, ये इतनी सिंपल सोचो, चलो ये अटैचमेंट जो था है, समझो, हैज इट गिवन यू परमानेंट जॉय? नो, इट विल नॉट गिव, इट कैन नॉट गिव, बिकॉज इट्स नॉट सपोज टू गिव.
परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट लव, परमानेंट समथिंग, कुछ भी परमानेंट नहीं दे सकते हमें. परमानेंट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, शरीर परमानेंट नहीं है ना, रिश्ता परमानेंट है. तो परमानेंट कुछ भी नहीं आने वाला है. वो उससे क्या एक्सपेक्ट करने का, वो क्या दे सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल. ओनली व्हेन यू सी द फ्यूटिलिटी ऑफ एवरीथिंग, ओके डोंट बिकम सैड देन. यू आर फ्री, क्या यार व्यर्थ जी रहे हम लोग, ना रिश्ते का फायदा है ना पैसे का फायदा, ऐसा नहीं बोला. हर चीज में आनंद लेना है. You have to feel joy whatever possible. But that is not giving you joy. Itna clear rahe jab, bas. Then you're free. So that means should we not relate with anybody or anything? You say, agar mujhe joy. Are you relating with somebody because they want to give you joy? Ye bhi to achha nahi hai na baat. Agar hum log yahan pahunch ke abhi tak hisab kitab laga rahe, toh it's not a nice place to be in. We are not relating to anybody because we are going to get something from them. No. We are relating because we have certain lena dena chal raha hai. Let it continue karmically. Joy aur sorrow bahar koi nahi de sakta. Mere bhitar hai. I have to tackle myself. So jo chadana hai chada do. What I will suggest is pura jo bhi rassi pakad ke rakha hai control wala senses ka, वही चढ़ा दो एक बार का. अहंकार उसके साथ चढ़ जाएगा साथ में. ये अभी जो कंट्रोल है ना उसका भी अहंकार है हम लोग को. आई कैन कंट्रोल दिस करके रियली वो भी चढ़ा दो. भाई मेरे से कंट्रोल भी नहीं मिलेगा, मुझे कंट्रोल करना है ना, मुझे रस्सी चाहिए ना, मेरे को ये घोड़ों के संग क्या करना है पता. आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस सेंसेस, प्लीज टेक इट. सरेंडर दिस इन योर प्रेयर, रियली सरेंडर एंड यू आर फ्री. So this was Patram Pushpam Phalam Doyam. Okay?